सो बाय द वे गाइज, आज के वीडियो में करने वाले हैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। आई थिंक गाइज, अगर आप लोगों का फोटो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। एनीवे गाइज, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग गाइज फॉलो कर लेना, ठीक है गाइज? तो क्योंकि फॉलो करोगे तो आप लोग का फायदा है, तो गाइज फटाफट फॉलो कर लो। तो सिंपल गाइस, इस प्रीसेट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले इस प्रीसेट को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। सो लेट गेट स्टार्ट। डिस्क्रिप्शन से प्रीसेट को डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ जाना। तो देन गाइस यहाँ पर गैलरी दिख रहा है, देन गाइस आपको क्या करना होगा, गैलरी पे सिंपली क्लिक कर देना होगा। देन गाइस क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको प्रीसेट को ले लेना होगा अपनी गैलरी में। यहाँ पर देख सकते हैं मैं प्रीसेट को गैलरी में ले लिया हूँ। तो देन गाइस इसको लेने के बाद आपको बताते हैं क्या प्रोसेस करना है। इस प्रीसेट को आपको ले जाना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। देन गाइस अगर आपको लाइटरूम यूज करना नहीं आता, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से फॉलो करके हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइटरूम किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। तो देन गाइस इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं शेयर का ऑप्शन शो हो रहा है। देन गाइस इस पर क्लिक कर देंगे। गाइस शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाइटरूम का ऑप्शन शो हो रहा है। देन गाइस इस पर क्लिक कर देंगे। देन गाइस क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका ये जो प्रीसेट है ये लाइटरूम में चला जाएगा। तो देन गाइस लाइटरूम को ओपन कर देते हैं फटाफट। तो सिंपली गाइस आप देख सकते हैं मैंने लाइटरूम में प्रीसेट को यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रीसेट को यहाँ पर दिख रहा है, ये प्रीसेट है। देन गाइस इस पर क्लिक कर देंगे। देन गाइस क्लिक करने के बाद प्रीसेट पे आपको कुछ इस तरह आपका ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं काफ़ी टूल नज़र आ रहे हैं। तो देन गाइस यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर तीन बिंदी यहाँ पर दिख रहा है, देन गाइस देख सकते हैं। देन गाइस इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कॉपी सेटिंग। देन गाइस इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टूल का ऑप्शन शो हो रहा है। देन गाइस इस पर अगर क्लिक टिक नहीं होगा राइट का, तो देन गाइस इस पर टिक कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह आपको टिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप एक स्टेप दोस्तों छोड़िएगा मत, आप स्टेप टू स्टेप आप अप्लाई कीजिएगा अपने मोबाइल में। देन इतना करने के बाद दोस्तों आपको राइट के ऑप्शन पे देन क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका काम खत्म हो जाएगा, आपको फिर आगे जाना है गैलरी में। तो सिंपली मैं गैलरी पे आ जाना है। देन गाइस गैलरी में आने के बाद आपको जिस फोटो को येलो टोन देना है उस फोटो को ले लेना होगा। सिंपली गाइस इस जो येलो टोन है वो आपको गैलरी जो बैकग्राउंड ग्रीन रहेगा तभी काम करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड फोटो का ग्रीन है, इस पर अच्छे से काम करेगा। तो सिंपली गाइस आपको ले लेना होगा अपने फोटो को, अपने मॉडल को जो बैकग्राउंड ग्रीन है उसी को लेना है। तो सिंपली गाइस इसको लेने के बाद आपको बताते हैं क्या करना है। तो सिंपली गाइस इस फोटो का मैं आपको येलो टोन करके दिखाता हूँ। सिर्फ एक क्लिक में आपको येलो टोन कर दूंगा। आपको कोई सेटअप, कोई ज़्यादा आपको सेटिंग या कोई ज़्यादा आपको काम नहीं, हार्डवर्क नहीं करना, आपको एक क्लिक करना है, उसके बाद आपका फोटो बनके तैयार हो जाएगा येलो टोन में। तो देन गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं शेयर का ऑप्शन शो हो रहा है। गैलरी में आने के बाद यहाँ पर देख सकते शेयर के ऑप्शन पर देन क्लिक कर देंगे। आगे ना आपको क्या करना होगा, आपको लाइटरूम में इस फोटो को ले लेना होगा। देन गाइस आप देख सकते हैं ऐड लाइटरूम, सिंपली इस पर क्लिक करके हम लाइटरूम में इस फोटो को ले लेते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं। देन गाइस क्लिक करने के बाद दोस्तों ये फोटो लाइटरूम में आ, तो सिंपली गाइस सबसे अब लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं मैंने इस फोटो को लाइटरूम में ऐड कर लिया हूँ। तो सिंपली गाइस इस फोटो पे देन क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप मात्र एक क्लिक करेंगे हम, उसके बाद आपका फोटो पूरा येलो टोन में तैयार हो जाएगा, बनके एडिट हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना आपको देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फिर आगे ना आपको थ्री डॉट दिख रहा है। देन गाइस इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप नीचे स्लाइड करेंगे राइट साइड में, यहाँ पर देख सकते हैं इस पर स्लाइड करेंगे। तो यहाँ पर नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर देख सकते हैं पेस्ट सेटिंग। देन गाइस इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका फोटो तैयार हो जाएगा, अमेजिंग हो जाएगा दोस्तों, मैजिक हो जाएगा। देन गाइस मैं क्लिक कर देता हूँ पेस्ट सेटिंग पे। तो देन गाइस देख सकते हैं, तो देन गाइस देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से आपका फोटो एडिट हो गया। आई थिंक गाइस देख सकते हैं मात्र एक क्लिक करने पर फोटो पूरा एडिट होकर तैयार होगा। देन गाइस अगर आपके चेहरे पे कोई आपको जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है, यहाँ पर मेरे पे चेहरे पे नहीं आ रहा, अगर आपके चेहरे पे बैकग्राउंड कलर आ जाए यहाँ पर चेहरे पे हेयर पे, तो सिंपली आपको बताते हैं क्या करना होगा कि कलर किस तरह आप रिमूव कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पर यहाँ पर दिख रहा है सेलेक्टिव। देन गाइस इस पर क्लिक कर देंगे। इस वाले टूल पर आपको अच्छे से देख लेना होगा, अगर चेहरे पे कलर आए तभी यह प्रोसेस करना है आपको। तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस वाले प्लस पे क्लिक कर देंगे। देन गाइस क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बीच वाले पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले सर्कल पे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जूम कर लेना होगा, या जूम करें या मत करें, कुछ इस तरह अपने फेस पे इसको अप्लाई कर देना होगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको अच्छे से अप्लाई कर देना होगा। मैं फटाफट कर देता हूँ अप्लाई, कुछ इस तरह आपको अप्लाई कर देना होगा, कुछ इस तरह
अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको फेस पे छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, नीचे आप देख सकते हैं राइट साइड में, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे। तो सिंपली गाइस इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट का ऑप्शन शो रहा है, देन गाइस इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ऊपर के साइड देख सकते हैं एक्सपोजर, देन गाइस इसको आप अप्लाई कर लीजिएगा कुछ इस तरह। अगर आपके चेहरे पे आ जाए तो अच्छे से इस तरह करके आप अपने फेस से कलर को हटा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को अगर आपके फेस पे आ जाए तो। सिंपली गाइस कुछ इतना करने के बाद मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ क्योंकि मेरे फेस पे कलर नहीं आया। अगर आपके आए तो ये प्रोसेस आप कर लेना, ये ट्रिक कर लेना, आपके फेस से कलर हट जाएगा। तो देन गाइस इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, शेयर के ऑप्शन पर देन गाइस क्लिक कर देना होगा। देन गाइस इस प्रीसेट का मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले इस प्रीसेट को आपको डाउनलोड कर लेना होगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो देन गाइस इस पे सेव कर लेते हैं, सेव टू डिवाइस पे देन क्लिक कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया होगा। एंड गाइस अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फोटोग्राफी सिराज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अंदाज में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।